हाय ऑल ऑफ यू, ये जो गणेशा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गणेशा मैंने घर पे पेंट किए हैं और मैंने इनको वुड फिनिश में पेंट किया है। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल टेक्निक है, आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आराम से बन जाते हैं। अब इसको बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो है कोई भी मिट्टी का पॉट या आइडल, वुड फिन, वुड स्टेन, एक ब्रश और एक कंटेनर। वुड फिन की इमेज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ये आपको पेंट और हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। वुड स्टेन की इमेज भी मैंने शेयर की है, ये भी आपको पेंट शॉप पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंटेनर में थोड़ा सा वुड फिन डालेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा लगेगा नहीं। अब हम इसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे वुड स्टेन की। अगर आपको कलर लाइट लगता है तो आप इसके अंदर और वुड स्टेन डाल सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको, ये मैंने ट्राइबल मास्क लिया है, मैं उसके ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ। इस ट्राइबल मास्क को और गणेशा जी दोनों को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद इनको मैंने धूप में सुखा लिया था और ये बिल्कुल ड्राई हैं और अब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर रही हूँ। एक बात और, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ न्यूज़पेपर बिछाना मत भूलिएगा, नहीं तो ये स्टेन्स लग जाएंगे और इनको साफ़ करने के लिए आपको कुछ केरोसिन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। ये जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ओल्ड है तो इसको यूज़ करके फेंक सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको टर्पेंटाइन ऑयल या केरोसिन ऑयल के साथ बाद में वॉश भी कर सकते हैं। इसको बनाते हुए 2-3 मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे इसके ऊपर थोड़ा सा कलर या पेंट एक्स्ट्रा लग जाता है तो आप इसको एक कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। हमने इनकी जो कॉर्नर्स हैं इनको बहुत अच्छे से पेंट करना है, नहीं तो बाद में आपको दिखेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और फिर आपको इनको दोबारा से पेंट करना पड़ेगा। इस आइडल, इस मास्क को पेंट करने के लिए, ट्राइबल मास्क को पेंट करने के लिए मैंने जो कलर यूज़ किया है वुड स्टेन का, वो मैंने रोज़ वुड यूज़ किया है। मार्केट में ये बहुत कलर्स में अवेलेबल है, टीक, ओक वुड, वॉलनट। मैंने गणेशा जी के लिए रेड कलर यूज़ किया था और ट्राइबल मास्क के लिए रोज़ वुड कलर यूज़ किया था। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें सारे कलर्स बताऊँ कैसा कैसा लुक आएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे के सारे लुक्स बनाकर दिखा दूँगी, वॉलनट कलर, टीक कलर और जितने भी रिमेनिंग कलर्स हैं उनमें ये कैसा लगता है। इसको अच्छे से पेंट करने के बाद हमने इसे सूखने के लिए रखना है। मैंने ये रात को पेंट किया था इसलिए मैंने इसको अपने घर में एक टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा के रख दिया है सूखने के लिए और अगले दिन मैंने इसको थोड़ी सी धूप लगवा दी है। अब जो मिस्टेक हमने नहीं करनी है, देखिए ये जो बुद्धा आप देख रहे हैं इनके आइज़ के ऊपर एक पैच है, ये अलग मिट्टी लगाकर इनको ठीक किया गया है। तो अब ये अगर ऐसा आपके इसमें पैच रहेगा ना, जो भी चीज़ आप लेके आएंगे तो वहाँ पे कलर लाइट रहेगा, एक जगह पे कलर डार्क हो जाएगा। ये इमेज में मैंने आपको दिखाया है, देखिए एक जगह पर पैच है लाइट कलर का, एक जगह पर कलर है डार्क। दूसरी मिस्टेक हमने जो नहीं करनी है वो ये है कि हमने उसके ऊपर पेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो वो ड्रिप करेगा। तीसरी मिस्टेक जो हमने नहीं करनी है वो ये है कि हम जो इसको यूज साफ़ करने के लिए कपड़ा यूज़ करेंगे उस पर से रेशा नहीं निकलता हो, रेशा या बुरा नहीं निकलता हो, नहीं तो वो इस पर चिपक जाएगा और फिर वो आपको बाद में हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट ये है कि मार्केट में एक पॉलिश के अंदर मिक्स करने के लिए पाउडर आता है, हमने वो पाउडर यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे ये ग्लॉजी फिनिश नहीं आएगी, वो वुड फिन के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए हमने सिर्फ वुड स्टेन ही यूज़ करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपके साथ और भी बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू।